Please subscribe and press the bell icon for more updates. Hey guys, welcome to the dance tutorial of Akmare. Let's start. सबसे पहले ये स्टेप करते हैं 1 2 3 4. इसको करने के लिए सबसे पहले अपने प्लेस पर जंप करें और जंप करते वक्त लेफ्ट लेग को हवा में अंदर की तरफ फोल्ड करें. उसके बाद राइट शोल्डर को हाई करके लेफ्ट शोल्डर से हिट करें, ऐसे जंप के साथ करें 2 3 4. इसके बाद का स्टेप ये है 1 2 3 4. इसमें दोनों पैरों को टोस पर रखते हुए लेफ्ट राइट फिर लेफ्ट लेकर राइट साइड रख दीजिए. अब हैंड्स, इसमें हैंड्स को पहले लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट और फिर राइट साइड प्लेस करें. अब दोनों को साथ में करते हैं 1 2 3 4. इसके बाद स्टेप है 1 2 3 4. इसमें चेस्ट आउट इन ऐसे 1 2 3 4. इसके बाद 1 2 3 4. इसमें लेफ्ट हैंड फिर राइट हैंड फिर पैर टोस पर आकर राइट साइड फिर लेफ्ट साइड जाएंगे ऐसे 1 2 3 4. इसके बाद स्टेप ऐसा है, इसमें पहले बॉडी जाएगी लेफ्ट साइड फिर राइट पैर और लेफ्ट पैर आएगा. इसमें पहले राइट आगे जाएगा फिर लेफ्ट आएगा. हैंड्स इन एंड आउट, पहले राइट और फिर लेफ्ट. इसमें राइट हैंड को राइट साइड ले जाकर बॉडी को वेव करते हुए लेफ्ट साइड ले जाइए और हैंड्स को इस तरह से यहाँ पर रख दीजिए. यह इस तरह से दिखेगा. इसके बाद का स्टेप कुछ ऐसा है 1 2 3 4. इस स्टेप में सबसे पहले राइट पैर को टोस पर लाना है 1 फिर लेफ्ट 2 फिर दोनों पैर को अंदर ले जाना है नीचे और फिर खोल देना है इस तरह से. इसमें नेक को पहले राइट फिर लेफ्ट फिर नीचे और फिर सामने लाएं 1 2 3 एंड 4. इसमें ध्यान रखना है जब नेक नीचे जाता है तो हाथ अंदर आता है इस तरह से. इस स्टेप को ऐसे करेंगे 1 2 3 4. इसके बाद ये स्टेप है 1 एंड 2. इसमें शोल्डर को आगे करना है और पैरों को भी अंदर ले जाना है इस तरह से, हाथ क्रॉस करके सामने ले जाना है, शोल्डर इन एंड सामने. इसके बाद ये स्टेप है 1 एंड 2. इसमें सबसे पहले टोस पर आना है इस तरह से अप एंड डाउन. इसमें सबसे पहले हाथों को लेफ्ट से स्टार्ट कीजिए वेव फॉर्म में और रोक दीजिए इस तरह से 1 एंड 2. ये स्टेप कुछ इस तरह से दिखेगा. अब इस स्टेप में लेफ्ट शोल्डर को ऊपर करके नेक ले जानी है राइट साइड फिर राइट शोल्डर को ऊपर करके ले जानी है नेक लेफ्ट साइड फिर लेफ्ट शोल्डर को ऊपर करना है और ले जानी है नेक राइट साइड और हाथों को लेफ्ट को आगे और राइट को पीछे रख देना है. इसके बाद लेफ्ट पैर को ले जाना है राइट साइड स्लाइड करके फिर लेफ्ट के बाद राइट फिर राइट के बाद लेफ्ट. अब यहाँ तक का चंग हम रिपीट करते हैं. इसके बाद का स्टेप कुछ ऐसा है, इसमें जंप करके 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. इसमें जंप करके लेफ्ट लेग को आगे ले जाना है हील पे और बॉडी को ले जाना है पहले लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट. इसमें ध्यान रखना है हाथ जाएंगे क्रॉस ऐसे 1 फिर इसके बाद 2 3 4 और इसमें चेस्ट पॉप करना है. इसके बाद राइट पैर को 3 टाइम्स हील पर लेकर 1 2 3 बॉडी बेंड रहेगी और लेफ्ट पैर को ले आना है राइट के पास ऐसे. इसके बाद हाथ को ले जाना है राइट हैंड को नीचे और लेफ्ट हैंड को ऊपर, साथ में करते हैं 2 3 और फिर लेफ्ट हैंड को ले आना है आगे राइट हैंड नीचे और लेफ्ट हैंड आगे. वेव करते हैं जब जब लेफ्ट हैंड सामने आएगा ऐसे. नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8. इसके बाद लोअर वेव करके पैर ओपन करिए ऐसे, उसमें हैंड्स को लिप्स पर रखकर ओपन करिए ऐसे, दोनों साथ में करेंगे 1 2. इसमें राइट हैंड को रखना है इस तरह से सामने और उसके बाद लेफ्ट हैंड को ले जाना है पीछे, इसे गोल घुमाना है 1 और बॉडी बेंड कर देनी है दोनों साथ में 1 एंड 2. अब राइट हैंड की लास्ट फिंगर को लिप्स पर रखें और लेफ्ट हैंड को इस तरह से टी शर्ट पर पकड़ें, पहले राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट और बॉडी भी ले जाएं दोनों साथ में 1 2 3 एंड 4.
अब इसके साथ टोस पर आना है, पहले राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट, बॉडी नीचे जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप ऐसा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इसमें सबसे पहले बॉडी आगे जाएगी और फिर जाएगी लेफ्ट साइड, और हैंड्स होंगे पहले राइट ऊपर फिर लेफ्ट, ऐसा दिखेगा स्टेप 1 एंड 2। इसके बाद लेग पोजीशन को रखना है आपको इसी जगह पर, और फिर आपको यूज़ करना है चेस्ट को जो जाएगा आगे इस तरह से। ध्यान रखिएगा जब चेस्ट जाएगा आगे तो हाथ रहेंगे पीछे और पैर रहेगा आगे और वो जाएगा पीछे इस तरह से। अब पैरों को टैप करना है 1, 2, 3, 4, लेकिन इसे लेके आना है सामने 1, 2, 3, 4 ऐसे। हाथों को रखना है इस पोजीशन पे और शोल्डर ऊपर करते हुए ऐसे जाना है, दोनों साथ में ऐसे दिखेगा 1, 2, 3 एंड 4। इसके बाद का स्टेप कुछ ऐसा दिखेगा। इसको करने के लिए सबसे पहले राइट को पीछे फिर लेफ्ट, उसके बाद दोनों हाथ को ले लीजिए अंदर ऐसे, उसके बाद आपको राइट पैर को लेना इन एंड आउट। ध्यान रखिए जब वे करेंगे तो हाथ होंगे वेव पोजीशन इस तरह से, पहले लेफ्ट और फिर राइट पैर के साथ 1 एंड 2। नेक्स्ट स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें आपको बेंड होते हुए पहले राइट पैर लाना है और फिर लेफ्ट। ध्यान रखिए हाथ जाएगा राइट इस पोजीशन पे और लेफ्ट आएगा साइड से सेंटर में। ध्यान रखिएगा उसमें आपको उंगलियां चलानी इस तरह से दोनों साथ में 1 एंड 2। अब पीछे जाके करके देखते हैं 1 एंड 2 ऐसे, और दोनों पैर अब क्या करेंगे, दोनों पैरों को पास ले आएंगे इस तरह से। इसमें लेफ्ट और राइट हैंड को इस पोजीशन पर रखकर अल्टरनेट मूव करना है, जिसमें चेस्ट को इस तरह से पॉप करना है 2 बार 1, 2। अब पहले लेफ्ट पैर को लेफ्ट डायरेक्शन में उठाइए इस तरह, और उसी को सामने रख दीजिए इस तरह से, ऐसा होगा ये 1 एंड 2। अब इसके बाद राइट पैर को टो पर रखना है इस तरह से, अब दोनों दिखेंगे तो इस तरह से दिखेगा 1 एंड 2, और इसकी डायरेक्शन होगी लेफ्ट में ऊपर और राइट में सेंटर में। उसके बाद का स्टेप ये है। इसमें राइट पैर को उठाकर लेफ्ट पैर के पैरेलल रखना है। ध्यान रखिए लेफ्ट पैर को हील से उठाते हुए प्लेस पर रखना है, उसके बाद हाथ घुमाते हुए लेफ्ट टू राइट ले जाना है, और उसके बाद नेक को और वेस्ट को इस तरह से हिट करना है, और उस जगह से बॉडी बेंड करते हुए नीचे लेफ्ट साइड आ जाना है, जिसमें लेफ्ट एल्बो को नी पर रखना है और राइट हैंड को नी पर रखना है। इसमें नेक पीछे होगी, नेक्स्ट स्टेप ऐसी दिखेगी। अब बॉडी को लाना है सामने इस तरह से, उसके बाद हैंड्स लेना है इस पोजीशन पे लेफ्ट साइड फिर राइट साइड। ध्यान रखिए हैंड्स को आपकी आइस के सामने रखना है इस तरह से और फिर इधर। अब ध्यान देते हैं पैर पे, पैर है इस तरह से, इसमें आपको पॉप करना है। पॉप करने के लिए आपको पहले जाना है पीछे, हिट करना है इस तरह से, इसके बाद हैंड्स नीचे जाएंगे इस तरह से, इसमें पॉप करना है 1, 2, 3, 4 टाइट हैंड्स पॉप 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 पॉप, लेग्स पॉप होंगे 1, 2, 3, 4, इसके बाद चेस्ट आउट इन वही पॉप करना है 1, 2, 3, 4 ऐसे साथ में 1, 2, 3, 4। इसके बाद लेफ्ट हैंड आएगा राइट साइड इस तरह से और शफल करते हुए जाएगा ऊपर इस तरह, दोनों होंगे पॉप 1 एंड 2। फिर राइट हैंड आएगा ऊपर इस तरह से और होगा पॉप, और फिर आपको डायरेक्शन ले लेनी है लेफ्ट साइड और कर देना है पॉप। अब ये स्टेप है 1, 2, 3, 4। इसमें पहले हैंड्स ऊपर से नीचे जाते हैं इस तरह से, और फिर नेक जाती है डाउन एंड डाउन, इसमें बॉडी बेंड होगी साथ में 1, 2, 3, 4। अब ये स्टेप है, इसमें दोनों शोल्डर्स को ऊपर पॉप करना है, दोनों पैर जंप करना है राइट पैर आगे और लेफ्ट पैर पीछे, और फिर आ जाना है सामने इस तरह से। अब सिग्नेचर स्टेप स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले जंप करके राइट जाना है, फिर जंप करके लेफ्ट जाना है। जंप के लिए टोज पर आना है और फिर नीचे आ जाना है, हाथ ले जाना है लेफ्ट टू राइट और फिर राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। अब दोनों साथ में करते हैं 1, 2। अब इसमें याद रखना है लेफ्ट हैंड की फिंगर को आंख पे और फिर राइट हैंड की फिंगर को आंख पे इस तरह से, इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप, इसमें लेफ्ट पैर को टैप करना है 2 टाइम्स इस तरह से, और उसी को आगे लेके आ जाना है, टैप करना है 2 टाइम्स। ध्यान दीजिए टैप करना है उठा के 2 टाइम्स, और जब आप आगे आएंगे तो आपको पैर रखा रहने देना है और हील से टैप करना है। इसमें शोल्डर को भी यूज़ करना है और हाथ को भी। लेफ्ट हैंड को नेक के साथ इस तरह से यूज़ कीजिए, दोनों जाएंगे राइट साइड। इसके बाद का स्टेप
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। इसमें पहले राइट पैर पीछे जाएगा और दोनों पैर इन होंगे, और फिर लेफ्ट पैर पीछे जाएगा और दोनों पैर साथ में इन होंगे। इसमें हैंड्स इस तरह से इस पोजीशन पे घूमेंगे, 1, 2 और फिर 3 and 4। नाउ नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप ये, इसमें लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से यूज़ कीजिए और राइट हैंड को लेफ्ट साइड से ले जाइए इस तरह से। ध्यान रखिए दोनों पैर बेंड होंगे। इसके बाद दोनों पैर आएंगे पास में जंप करके और हाथ होगा रोल अंदर इस तरह से। इसके बाद राइट पैर आगे जाएगा, यहाँ से राइट पैर आगे, राइट हैंड होगा इस पोजीशन पे और लेफ्ट हैंड से पंच करना है आगे की तरफ दोनों साथ में, एंड वी आर डन। इस सॉन्ग के डांस कवर के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइट्स ऑफ।